दोस्तों, ये जो शूफा स्क्रिप्ट है या शूफा कैलीग्राफी है, ये माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो चाइनीज़ कहावत है कि एक तस्वीर जो आपको बता सकती है वो 5000 वर्ड्स भी नहीं बता सकती। दोस्तों, इतनी ज़्यादा कैलीग्राफी है कि मैं उसको एलैबोरेट भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक जो कैंटोनीज जो कैलीग्राफी वो सबसे जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश है, लेकिन आज मैं रूह की तस्कीन के लिए आया हूँ, अपनी तस्कीन के लिए आया हूँ, ऐसी चीज़ देखने के लिए कि जिसे देख के मेरा पूरा दिन बेहतरीन गुजरे। जी तो दोस्तों, मैं आया हूँ एक कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफिक म्यूज़ियम, ये एनहोई में है और ये तकरीबन 50 से 60 साल पुराना है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है जी दोस्तों, म्यूज़ियम का बहुत बड़ा गेट, कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफिक म्यूज़ियम है। कहते हैं जी ये 70 साल पुराना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये चाइनीज राइटिंग, ये स्टैम्प, कुछ चीज़ें आपको मैं बताता जाऊंगा। एक चीज़ ध्यान में रखें कि चाइना की जो भी स्टैम्प होगी वो रेड कलर की होगी, इनका फ्लैग रेड कलर का होगा। और ये जो कैलीग्राफी है, ये डिफरेंट स्टाइल की कैलीग्राफी है, पोतोख्वा में है। इसके साथ साथ ये फेचो स्टाइल, ग्वांगचू स्टाइल, शंजन स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल में पेंटिंग है, कैलीग्राफी है। और ये बिल्डिंग देखिए दोस्तों, रियली कल्चरल, अमेजिंग। डिफरेंट कैलीग्राफी और स्टैम्प भी डिफरेंट हो गए। तो दोस्तों, चाइना अपनी पेंटिंग कल्चर हेरिटेज के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये देखिए, अब ये जो है ये कैलीग्राफी उससे डिफरेंट थी और उसकी उन्होंने स्टैम्प भी तब्दील कर दी। दोस्तों, जो चाइनीज़ कैलीग्राफी है वो डिफरेंट टाइप्स की है, शूफा है, हाका है, कैंटोनीज है, इसके अलावा सम पुतोंख्वा है, फेचो स्टाइल है, ग्वांचू स्टाइल है, गुचो स्टाइल है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा कैलीग्राफी है कि मैं उसको एलैबोरेट भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक जो कैंटोनीज जो कैलीग्राफी वो सबसे टफ है। ये कैंटोनीज जो है, ये बेसिकली हांगकांग, शंजन, मकाओ, ये इन इलाकों में है। ये देखिए, और कैंटोनीज़ के साथ साथ शूफा है, हाका है। जो हाका कैलीग्राफी है, ये देखें दोस्तों, बिट पोतोख्वा, पोतोख्वा जो है वो जी बीजिंग में है, यानी कि जितने भी फॉरनर्स हैं वो बीजिंग के अंदर जो चाइनीज़ सीखते हैं उनको कहते हैं जी पुतोंख्वा। और यूजुअली जो जितने वाइट गोरन हैं, जितने जो फॉरनर आते हैं, वो पुतोंख्वा ही बोलते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था हाका की। हाका जो पीपल है वो ग्वांचू में, शांगसी में, शांगसी प्रोविंस में, ग्वांगडोंग प्रोविंस में होते हैं ज़्यादा, और ये हन डायनेस्टी का एक सब ग्रुप है। तो ये जो अगर हाका कैलीग्राफी की बात करें,
तो वो ज़्यादातर इन इलाकों में है, चंजियांग, शांगसी, शांगसी, उसके अलावा ग्वांगडोंग, ग्वांगचू, इन इलाकों में। वाह, इतनी ज़्यादा कैलीग्राफी, एक को देखे दूसरी भूल जाता है, और लगता है ऐसे है कि ये सारी एक जैसी है, लेकिन दोस्तों ये सारी एक जैसी नहीं है। दोस्तों ये जो शूफा स्क्रिप्ट है या शूफा कैलीग्राफी है, ये माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए है। इसमें नेचर, माइंड रिलैक्सिंग, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली जो 5 बुनियादी स्क्रिप्ट हैं चाइनीज़ कैलीग्राफी के, उनमें वो सील स्क्रिप्ट और इसके साथ साथ क्लैरिकल स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट, रनिंग स्क्रिप्ट एंड स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट, ये बेसिकली हैं जी 5 स्क्रिप्ट चाइनीज़ कैलीग्राफी के। लेकिन जो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है उसको भी चाइना में बहुत लाइक किया जाता है, क्योंकि चाइनीज़ कहावत है कि एक तस्वीर जो आपको बता सकती है वो 5,000 वर्ड्स भी नहीं बता सकते। ये है जी साओशुआ कैलीग्राफी, ये थोड़ी सी मध्यम होती है साओशुआ जी। तो दोस्तों ये कैलीग्राफी म्यूज़ियम है तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा औसम है। इतनी टाइप की कैलीग्राफी है कि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा स्क्रिप्ट है और कौन सा नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आके पीस, काम और हार्मनी, ये मैंने देखी है। और बिल्डिंग भी बहुत मज़े की है, और ये तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसको उन्होंने कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी म्यूज़ियम में कर दिया है कन्वर्ट। तो दोस्तों ये तो थी आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।